हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो अब दो दो वीडियो के अंतर्गत हमने इकोलॉजी की स्टार्टिंग एक वीडियो पढ़ा था, उसके बाद में एक और पिछली क्लास के अंदर एक और वीडियो चढ़ाया था इकोलॉजी से रिलेटेड। तो आप उन दो वीडियो को जरूर देखें। उनको देखने के लिए आप ऊपर कोने में आई बटन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा रहा है सजेस्ट वीडियो आ रहा है, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा। आप दोनों क्लास को जरूर देखना है। तो आज क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। आज वाली क्लास के अंदर हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो आपके नेगेटिव आपके इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी दो स्पीसीज के मध्य इंटरेक्शन हो रहा है, यानी दो स्पीसीज के मध्य आकर्षण हो रहा है। तो आज वो आकर्षण पढ़ेंगे जिसके मध्य क्या हो रहा है, आपको दोनों को लाभ हो रहा है, यानी धनात्मक वाला पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, धनात्मक वाला पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक वाला पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अपन म्यूटिलिज्म। क्या पढ़ेंगे, म्यूटिलिज्म, या इसे बोलते हैं सहोपकारिता, सहोपकारिता। क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या होता है, जैसे देखा होगा कि इसके अंतर्गत जितनी भी दो प्रकार की स्पीसीज आती हैं वो क्या करती हैं कि हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे और साथ में ही जन्म लेंगे, यानी सह अस्तित्व, सह विकास और सह आपका इसका एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन, दोनों साथ में विलुप्त होगी। तो ये म्यूटिलिज्म क्या कहता है, आपका सह विकास, ठीक है, सह उत्पत्ति और सह विलुप्ति, यानी साथ साथ भी विलुप्त होंगे, साथ साथ उत्पत्ति होगी हमारी, और साथ जब तक जिंदगी है तब तक हम साथ में रहेंगे, लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक हैं तब तक साथ में रहेंगे। कौन कहता है, म्यूटिलिज्म। इसका एक और नाम है, क्या है बोलते हैं, म्यूटिलिज्म या सहोपकारिता कहा जाता है। म्यूटिलिज्म के अंतर्गत जितने भी दो प्रकार के जंतु होते हैं दोनों को लाभ होता है। जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि दोनों को प्लस प्लस, यानी दोनों को ही लाभ हो रहा है। प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, दोनों जंतुओं को लाभ हो रहा है। एग्जाम के अंदर यही आता है, म्यूटिलिज्म सहोपकारिता, यहाँ पर प्लस प्लस ऑप्शन में एक दे देगा प्लस माइनस, माइनस माइनस और फोर दे देगा आपका माइनस प्लस। तो आपका आंसर सही क्या होगा, प्लस प्लस, क्योंकि इसके अंदर दोनों जंतुओं को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, म्यूटिलिज्म। जैसे मैं एक और फोटो से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आपको समझ आएगा कि ऐसा फोटो क्यों बने। तो ये आपने देखा होगा इमोजी आती है, ये इमोजी होती है आपकी हैप्पी वाली, यानी दोनों को ही लाभ हो रहा है, दोनों को ही लाभ हो रहा है। तो कौन सी आता है, म्यूटिलिज्म के अंदर दोनों जंतुओं को लाभ हो रहा है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आता है, पहला एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर वन। आपने देखा होगा अक्सर कर घरों के अंदर क्या होता है कि जो आपके लकड़ी के दरवाजे होते हैं उनमें क्या लग जाती है, आपके दीमक लग जाती है, टर्मिट लग जाता है, तो दीमक लग जाती है। तो दीमक को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिट्स, टर्मिट्स। दीमक वे ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या, एक फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ है, जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम की मदद से आपको समझा रहा हूं कि यहां पर ये है आपका, कौन है ये, आपका दीमक, कौन है, दीमक है, ये इसकी दीमक की आंख है, ठीक है। और यहां पर ये क्या लेगा, लकड़ी, लकड़ी खाता है दीमक को, क्या करता है, लकड़ी को खाता है, जैसे यहां पर लकड़ी ली। लेकिन इसकी जो आंत होती है क्या है, आंत, यहां पर क्या है, इसकी आंत है, आंत के अंदर होता है आपका ट्राइकोनिम्फा, कौन होता है, ट्राइकोनिम्फा होता है, ये ट्राइकोनिम्फा बना दिया मैंने, ट्राइकोनिम्फा है, आंत के अंदर होता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या काम करता है, लकड़ी को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लकड़ी को पचाने का काम कौन करता है, ट्राइकोनिम्फा करता है। जैसे इसका बच्चा जन्मता है, क्या होता है, बच्चा जन्मता है तो क्या होता है, बच्चा जैसे जन्मेगा, ठीक है, ये बच्चा है छोटा सा इसका, ठीक है, ये है बच्चा इसका। तो ये क्या करता है, जैसे ये इसको खाया लकड़ी को, फिर इसका उत्सर्जन होगा,
ये उत्सर्जन। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसको जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। ये इसको खाएगा, इसके अंदर ही क्या है आपका ट्राइकोनिम्पा, क्योंकि ये नहीं खाएगा तो इसके अंदर लकड़ी का पाचन नहीं होगा, तो ये इसको खाता है। तो ट्राइकोनिम्पा क्या करता है, इसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि लकड़ी को पचाने में सहायता कर रहा है, बदले में ये क्या दे रहा है, इसको आवास दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, यानी दोनों जंतु को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कौन सा होगा, म्यूटिलिज्म। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आता है कि म्यूटिलिज्म का कौन सा उदाहरण सही है, दीमक और ट्राइकोनिम्पा। सही है एकदम, दीमक और ट्राइकोनिम्पा बिल्कुल सही है। दूसरा आता है आपका युक्का, और युक्का, युक्का एक पादप का नाम है, वह प्रो न्यूबा मौत, युक्का व प्रो न्यूबा मौत, कौन है, युक्का और प्रोनुबिया मौत। इसका मैं आपको समझाता हूं, तो इसका देखना आप, ये है आपका पादप है, ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, और यहां पर एक फ्लावर लगा रहता है, क्या ये पुष्प, क्या ये पुष्प, ठीक है। पुष्प के अंदर क्या होंगे, पुंकेसर होंगे और स्त्रीकेसर होंगे। ये क्या है, पुंकेसर के अंदर स्त्रीकेसर है, आपके क्या है, आपके ये दिखाई दे रहे हैं आपके, आप इसे बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं, ये है पुंकेसर और ये है स्त्रीकेसर, दोनों लगे रहते हैं। तो ये क्या है, प्रोनुबिया मौत आया, जैसे यहां पर आया प्रोनुबिया मौत, ये है प्रोनुबिया मौत, ठीक है, ये आया प्रोन्युबा मौत। प्रोन्युबा मौत आएगा, इसके अंदर आता है, क्या आता है, इस पौधे के पुष्प के अंदर आता है। तो पुष्प के अंदर आएगा, जिसका क्या करा देगा, ये परागण करा देगा, क्या करा देगा, परागण करा देगा। बंदे में ये क्या देता है, अपने अंडे इस पुष्प के अंदर दे देता है, अंडे इस पुष्प के अंदर दे देता है। तो ये पुष्प इसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये अंडे देने का स्थान बन गए। बदले में ये पुष्प है, इसको क्या फायदा हुआ, कि ये इसके लिए क्या करा रहा है, परागण करा रहा है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद की चीज होगी, क्या होगी, फायदेमंद की चीज होगी। नेक्स्ट आता है, वो आता है आपका लाइकेन। ये मैंने पहले भी बताया, लाइकेन होता है एल्गी और फंजाई का आपके रिलेशनशिप होता है। जैसे यहां पर फोटो की मदद से मैं बताऊं, ये है आपका फंजाई, यानी ये क्या आपका फंजाई या कवक, या कवक, फंजाई या कवक, और ऊपर लगे रहते हैं आपके एल्गी या शैवाल, ये क्या है शैवाल, ये क्या है शैवाल। तो शैवाल क्या करेगा, यहां से लाइट लेगा, लाइट लेने के बाद यहां पर क्या करेगा आपके, इसको फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बाद में भोजन बनेगा, भोजन बनाने के बाद में क्या करेगा, और ये फंजाई होता है, ये इसको क्या देगा आपके, जल व खनिज लवण देगा, क्या देगा, जल व खनिज लवण देगा, और वो क्या देगा इसको बदले में, भोजन देगा। तो दोनों को लाभ हो रहा है, कि एक को हटा दिया जाए तो ऊपर वाला मर जाएगा, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा, और मैंने शैवाल को हटा दिया तो ये मर जाएगा, तभी तो लिखा है सह विकास हो रहा है, उत्पत्ति हो रही साथ साथ, और एक को हटा दिया तो दोनों साथ साथ विलुप्त हो जाएंगे। तो ये आपका थर्ड कौन सा हो गया, लाइकेन आ गया, कौन सा आ गया, लाइकेन आ गया। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल पड़े, पहला कौन सा, दीमक और ट्राइको निम्बा, दूसरा कौन सा पड़ा आपका, प्रोन्युबा मौत और युक्का, प्रोन्यु युक्का और प्रोन्युबा मौत, थर्ड कौन सा पड़ा, लाइकेन, और फोर्थ एक और आता है माइकोराइजा, फोर्थ आता है माइकोराइजा, माइको राइजा। आपने देखा होगा कि जो पाइनस का पादप होता है, किसका पादप होता है, पाइनस का पादप होता है। तो पाइनस के पादप के अंदर क्या होता है, कि जैसे ये पाइनस का पौधा है, मैंने पाइनस का पौधे की ये जड़ें बनाई है, ये क्या है पाइनस के पादप की जड़ें, ये क्या है जमीन है, और जमीन के अंदर ये पाइनस के पौधे की जड़ें हैं, ठीक है। तो यहां पर लग जाता है आपका फंजाई, जड़ों के अंदर कौन लग जाता है, फंजाई लग जाता है, कौन लग जाता है, फंजाई। फंजाई क्या करेगा, इसको
जल व खनिज लवणों को देगा, बदले में जो पौधा है उसको क्या देगा, भोजन देगा, दोनों को फायदा हो रहा है। एक यहाँ पर लाइन लिख गई है कि पाइनस का पौधा होता है बिना आपके जो फंजाई के बिना अंकुरित नहीं हो सकता, बिना फंजाई के अंकुरित नहीं हो सकता है। तो सा से विकास हो गया, से उत्पत्ति हो गए और से विलुप्ति हो गया, किसमें, स्वयोपकारिता, किसमें, स्वयोपकारिता। तो स्वयोपकारिता के कितने एग्जाम्पल हो गए, फाइव, कितने हो गए, फाइव। स्वयोपकारिता के पांच एग्जाम्पल कौन कौन से है, पहला है आपका दीमक और ट्राइगोनिम्बा, दूसरा कौन सा है, प्रोन्युबा मौत और युक्का, थर्ड कौन सा है, लाइकेन और आपका लाइकेन हो गए, और फोर्थ कौन सा है, माइकोराइजा हो गए। कौन हो गया, फोर्थ माइकोराइजा। तो आपको मोटिलीज में कितना चीज याद रखनी है, चार चीज, एक से व्युत्पत्ति, से विकास, से विलुप्ति, दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। उसके बाद में दीमक और ट्राइकोनिम्बा उदाहरण, युक्का प्रोन्युबा उदाहरण, लाइकेन और माइकोराइजा। तो नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड नंबर का पॉजिटिव, आपके क्या आता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, वो आता है कॉमन सेलिज्म, कौन सा आता है, कॉमन सेलिज्म, उसका नाम है कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट का क्या नाम है, कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, सेकेंड कौन सा है, कॉमन सेलिज्म, इसे बोलते हैं सहोभोजिता, कौन सा है, सहोभोजिता। इसके अंदर क्या होगा, एक को तो लाभ होगा, एक जंतु को तो लाभ होगा, लेकिन दूसरे के ऊपर कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। एक जंतु को तो लाभ हो गया लेकिन दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा, तो मैं जीरो लिख लेता हूँ। एक जंतु को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके मैं फोटो बनाता हूँ। एक को तो लाभ हो रहा है तब यह हंसेगा, लेकिन दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगा, तो ये ऐसे ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक को तो लाभ हो रहा है तो हंसेगा, लेकिन दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉर्मल रहेगा, जैसे रह रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सेलिज्म के अंदर इतना याद रखना है कि एक क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, दूसरे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, एग्जाम्पल नंबर वन, आपने देखा होगा उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर, उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, वो कहाँ पर स्थित होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर होती हैं कट लताएं, कौन होती हैं, कट लताएं, कट लताएं। आपने देखा होगा कि किसी पेड़ के ऊपर क्या चढ़ जाती हैं, आपके कट लताएं चढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये है कोई पादप है, ठीक है, ये कोई पादप है, यहाँ पर कोई है कट लताएं हैं, जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर कट लताएं होगी, कौन होगा, कट लताएं, और यहाँ पर, ठीक है, कट लताएं होगी। कट लताएं क्या करती हैं कि पेड़ के तने के चारों तरफ लिपट 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 के ऊपर चली जाती है, क्यों जाती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े पादप होते हैं, तो जो लाइट होती है वो नीचे जमीन तक पहुँच नहीं पाती, जमीन तक लाइट नहीं पहुँचेगी तो इसको लाइट नहीं मिलेगी, इन सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, इसके अंतर्गत आपके प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जिसके अंदर भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो ये जीवित नहीं रह पाएगी। तो क्या हो गया, ये तने के चारों ओर लपेटली लपेटली यहाँ तक आ गई, यहाँ तो क्या मिल रहा है, इसको लाइट मिल रही है, लाइट मिलेगी तो भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो इसका काम चलता रहेगा, लेकिन इस पौधे को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही, इसको बचड़ी तो इसको कोई हानि नहीं, लेकिन इसको फायदा हो रहा है, यानी एक जंतु को तो फायदा होता है लेकिन दूसरा क्या रहता है, उदासीन। इसका उदाहरण कौन हो गया आपका, कटलता, कटलता कहाँ पर पाई जाती है, कटलता पाई जाती है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है इसका, सेकेंड एग्जाम्पल है ऑर्किड पादप, ऑर्किड पादप, कौन है, ऑर्किड पादप, जैसे ये है कोई पादप है, आम का पौधा होता है, किसका पौधा है, आम का, ठीक है, तो ये ऑर्किड पादप यहाँ पर लग जाता है, ठीक
ठीक है, ये लगे ऑर्किड का पादप। कौन लगे? ऑर्किड का पादप। ऑर्किड का पादप यहाँ क्या करेगा, आपके इसके ऊपर आवास लेगा, आवास लेके इसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेगा। और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ऑर्किड का पादप हो गया। तीसरा जंतु बहुत ही, तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आपने देखा होगा कि समुद्रों के अंदर, समुद्रों के अंदर क्या देखा होगा, व्हेल देखी होगी, शार्क देखी होगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी होगी। क्या देखी होगी? बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी होगी। उनमें से सबसे बड़ी मछली जैसे शार्क ले लिया मैंने, तो शार्क के ऊपर ये है शार्क। कौन है ये? शार्क मछली है। कौन है ये? शार्क मछली है। कौन है? शार्क मछली है। शार्क मछली के ऊपर कौन आ जाते हैं आपके? यहाँ पर शार्क मछली है, ठीक है। शार्क मछली ने क्या कर दिया? यहाँ पर शिकार कर लिया। क्या कर लिया? शिकार कर लिया। शार्क मछली का मुंह होता है वो टर्मिनल होता है, नीचे की ओर होता है। यहाँ पर किसने क्या कर लिया? शिकार कर लिया, बड़े जंतु का अंदर शिकार कर लिया समुद्रों के अंदर। तो अंदर शिकार करेगी तो इसके क्या होते हैं? मांस के टुकड़े पास पास में तो बिखरेंगे, सभी के सभी पेट में जाएंगे नहीं। मांस के टुकड़े इसके यहाँ बिखर गए, यहाँ बिखर गए, यहाँ बिखर। यहाँ पर फायदा उठाती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, जिसमें नाम है पायलट फिश और शक्कर फिश। क्या नाम है? पायलट फिश और शक्कर फिश। पायलट फिश और शक्कर फिश, पायलट फिश और शक्कर फिश यहाँ आ जाती हैं। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ये पायलट फिश और शक्कर फिश यहाँ पर आ जाती है। पायलट फिश और शक्कर फिश आ जाती है, जिससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इनको मांस के टुकड़े मिल गए, इनको भोजन मिल गए, लेकिन जो शार्क मछली हैं इसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। शार्क मछली को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, शार्क मछली को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन जो आपके पायलट फिश एंड शक्कर फिश को क्या मिल गया? क्या मिल गया आपको? भोजन मिल गया। क्या मिल गया? भोजन मिल गया। तो आपको याद क्या रखना है इस एग्जाम्पल के अंतर्गत, ये जो पायलट फिश एंड शक्कर फिश हैं वो आपके किसका उदाहरण है? कॉमन सेलिज्म। शार्क से क्या प्राप्त करती हैं? भोजन प्राप्त करती हैं। उसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोर्थ। आपने देखा होगा कि जो व्हेल मछली होती हैं पानी के अंदर तैरती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके जो बार्नेकल्स होते हैं, बार्नेकल्स क्या होते हैं कि जो चट्टाने होती, समुद्र की चट्टाने होती उसके ऊपर बार्नेकल्स चिपके रहते हैं। क्या पर? समुद्र की चट्टानों के ऊपर चिपके रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर जैसे किसी प्रकार का क्या आ रहा, तूफान आ गया वहाँ पर, तो ये क्या करते हैं कि तूफान आ गया वहाँ से हटेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, इनको मर जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, जो यहाँ से व्हेल मछली गुजरी, ये क्या है? व्हेल मछली है, ये है व्हेल मछली। यहाँ से व्हेल मछली गुजरी तो बार्नेकल्स क्या फायदा उठाते हैं? यहाँ से जो चट्टान पे थे यहाँ से उचक के इसके शरीर के ऊपर आ जाते, ये बार्नेकल्स, ये बार्नेकल्स, ये बार्नेकल्स, ये बार्नेकल्स शरीर के ऊपर चिपक जाते, और जहाँ जहाँ ये जाएगी आगे जाके वहाँ पर ये नीचे उतर जाते। यानी इसको फायदा हो गया, ये मरने से बच गए। लेकिन बार्ने जो व्हेल मछली इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। तो चौथा कौन सा है आपके? व्हेल व चौथा है व्हेल व बार्नेकल। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हेल और बार्नेकल किसका उदाहरण है, तो वह है आपका व्हेल और बार्नेकल किसका उदाहरण है आपके? कॉमन सेलिज्म, सहोभोजिता। व्हेल और बार्नेकल किसका उदाहरण है? सहोभोजिता। किसका उदाहरण है? सहोभोजिता। एक और आता है पांचवा एग्जाम्पल, वो किसका आता है आपके? जैसे आपने देखा होगा सी एनिमल, समुद्री एनिमल, ये है समुद्री एनिमल, सी एनिमल। यहाँ पर क्या लग रही थी? विष ग्रंथियां लग रहती हैं कि यहाँ कोई भी प्रकार का जंतु आएगा तो ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। विष के द्वारा क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नीडोब्लास्ट कोशिका लग रहती है इसके अंदर, ये जो भी आएगा इसको नष्ट कर देता है। ये कौन है? समुद्री एनिमल, समुद्री एनी, समुद्री एनिमल। कौन है ये? समुद्री एनिमल।
यहाँ पर फायदा उठाती है कौन? क्लाउन फिश। कौन? क्लाउन फिश। ये रही क्लाउन फिश। ये कौन है? क्लाउन फिश। क्लाउन फिश यहाँ पर फायदा उठा के इसके पास आ जाती है। जैसे इसके पीछे कोई भी प्रकार का जानवर पड़ गया तो ये दौड़ती भागती 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 के बचाओ 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 भागती हुई आती हैं किसके पास? समुद्री एनिमल। समुद्री एनिमल के पास में आके रुक जाती, छोटी सी मछली होती, बाकी जो भी इसके पीछे जानवर पड़ा रहता है वो देख के इसको डर जाता है कि भाई साहब समुद्री एनिमल आ गए। समुद्री एनिमल देख के डर जाता है, इसके पास नहीं जाना है। तो इसकी क्या बच गई? जान बच गई। लेकिन जो समुद्री एनिमल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, लेकिन जान किसकी बच गई? आपके किसकी बची? क्लाउन फिश की, यानी समुद्री एनिमल वे क्लाउन फिश। समुद्री एनिमल वे क्लाउन मछली, क्लाउन फिश। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लाउन फिश और समुद्री एनिमल में कौन सा रिलेशनशिप है, तो कौन सा बताओगे आप? समुद्री एनिमल और क्लाउन फिश के अंदर होता है आपका कॉमन सेलिज्म। तो कॉमन सेलिज्म के पांच उदाहरण कौन कौन से होते हैं? पहला आ गया आपका कटलताएं, जो कहाँ पर पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं कि पौधे के चारों ओर लिपट के ऊपर चली जाती हैं, जिससे उसको क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण में फायदा होता है। दूसरा आता है ऑर्किड का पादप। ऑर्किड का पादप होता है आम के पौधे के ऊपर लग जाता है, आम के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसको क्या मिल जाता है? प्रकाश संश्लेषण, जिससे ये क्या करता है? आपके जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन कर लेता है। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है पाइलोट फिश और सकर फिश। किसके ऊपर? आपके शार्क मछली। शार्क मछली जैसे ही क्या करती हैं? आपके क्या करती हैं? अटैक करती हैं, तो इसके ऊपर जो आपके मांस के टुकड़े हैं चारों तरफ बिखर जाते हैं। मांस के टुकड़े चारों तरफ बिखरते हैं तो ये फायदा उठा के पास में आ जाती हैं और मांस के टुकड़े खा लेती है। तो इनको क्या है? भोजन ढूंढने में कोई आपके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पका पकाया मिल गया। तो इस जो शार्क मछली, इसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाइलोट फिश एंड सकर फिश को क्या मिल गया? यहाँ पर भोजन मिल गया। जो चौथा एग्जाम्पल है बार्निकल्स। बार्निकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विषम परिस्थिति आएगी तो ये क्या होते हैं? वेल के ऊपर आ जाते हैं और किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसका पांचवा उदाहरण कौन सा हो गया? वेल और बार्निकल्स। किसके ऊपर चले गए? वेल मछली के ऊपर चले गए और इसके ऊपर तैरते 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 कहीं सवारी करते हुए कहीं और जगह पे चले गए। और पांचवा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? समुद्री एनिमल है क्लाउन फिश। समुद्री एनिमल सी एनिमल होता है, इसके जो आपके स्पर्शक होते हैं वहां पर लगी रहती हैं आपकी कौन सी? विष ग्रंथियां लगी रहती है। तो क्लाउन फिश है वो जो भागते 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 इसके पास आती है, बचाओ 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 इसके पास में आके बैठ जाती है। लेकिन दूसरा जो इसके पीछे जंतु पड़ा रहता है वो देख के घबरा जाता है कि यहाँ पर समुद्री एनिमल है, तो वो वापस भाग जाता है और क्लाउन फिश की क्या बच जाती? जान बच जाती। क्या होता है? क्लाउन फिश की जान बच जाती है। तो जो कॉमन सेलिज्म है उसके कितने हो गए उदाहरण? पांच हो गए। कितने हो गए? पांच हो गए। तो पांचों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और थर्ड जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन आता है, यानी धनात्मक इंट्रैक्शन के अंदर जो थर्ड आपका आता है वो आता है, अभी तक हमने दो का अध्ययन कर लिया है, कौन कौन सा? पहला पढ़ा था म्यूटिलिज्म, दूसरा कौन सा? कॉमन सेलिज्म, और थर्ड एंड लास्ट आता है, वो आता है प्रोटो कोऑपरेशन। कौन आता है? प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन ऑपरेशन प्रोटो कोऑपरेशन नहीं प्रोटो प्रोटो कोऑपरेशन प्रोटो कोऑपरेशन थर्ड कौन सा था आपका? प्रोटो कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है? आपके जो जंतु होता है, इसके अंदर जो शामिल जंतु होते हैं, एक को तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। जो दूसरा जंतु होता है, इसके अंदर शामिल जो दूसरा जंतु होता है, उसको भी लाभ होता है। क्या होता है? उसको भी लाभ होता है। क्या होता है? उसको भी लाभ होता है। दूसरे जंतु को भी लाभ होगा। तो मैं इसका साइन कैसा बनाऊंगा? प्लस 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 प्लस। किसका भी था आपको? म्यूटिलिज्म सहोपकारिता का भी तो प्लस प्लस था। क्या था? प्लस प्लस। यहाँ क्या ओब्लिक आएगा? जैसे यहाँ फोटो के द्वारा आपको समझ में आएगा, इसको भी लाभ हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है, दोनों को ही लाभ हो रहा है। लेकिन आप पीछे
पेज पलट के देखें तो आप देखोगे कि जो मैंने वहाँ पर फोटो बनाया था तो वहाँ पर गैप नहीं था, दोनों क्या थे, टच थे, दोनों टच थे, लेकिन यहाँ पर टच नहीं, यानी एक जंतु यहाँ पर छोड़ के चला जाए तो दूसरे के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ये व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर एक व्यक्ति छोड़ के चला जाए, एक जंतु छोड़ के चला जाए तो दूसरा मर जाएगा, कि हम आपके बिना नहीं रहेंगे, अकेले हम नहीं रह सकते। इसमें क्या कि एक छोड़ के चला जाए तो कोई बात नहीं, हम अकेले रह लेंगे, लेकिन जो सहोपकारिता है उसमें क्या है कि आप छोड़ के जाओगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन प्रोटोको ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता है, प्रोटोको ऑपरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि एक छोड़ के जाएगा, दूसरा कहेगा कोई बात नहीं मैं आपके बिना ही रह लूँगा, मैं आपके बिना ही रह लूँगा। जो इसका उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि मगरमच्छ जैसे ही क्या करता है, शिकार करता है, तो मगरमच्छ के बड़े बड़े दांत होते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ, यह है मगरमच्छ का मुख, क्या है मगरमच्छ का मुख, मैंने मुंह खोला और मगरमच्छ का ये इसके तीखे तीखे दांत होते हैं मगरमच्छ के, ठीक है, ये ऐसे तीखे तीखे दांत होते हैं, ये मगरमच्छ के दांत है। जैसे ही इसने किसी भी प्रकार के जंतु का शिकार किया तो यहाँ क्या हो जाते हैं, मांस के टुकड़े फंस जाते हैं। अब ज़्यादा देर तक ये काफ़ी दिनों तक फंसे रहेंगे तो इसके मुंह से बदबू आएगी और दांत सड़ने लग जाएंगे, मुंह से क्या आएगी, बदबू आएगी और दांत सड़ने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ एक फायदे वाली बात होती है कि यहाँ एक पक्षी आता है, कौन आता है, पक्षी आता है, उस पक्षी का नाम है टिक्स बर्ड, क्या नाम है, टिक्स बर्ड, क्या नाम है, टिक्स बर्ड। टिक्स बर्ड क्या करता है, यहाँ पर आएगा और मगरमच्छ आपने देखा होगा कि जो जल है उसके किनारे पे होते हैं तो मुंह खुला रखते हैं ताकि टिक्स बर्ड आए और उसके दांतों के अंदर फंसे मांस के टुकड़े निकाले और वो भी आप उसके खाने के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, उसको क्या है, भोजन ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, उसके मांस के टुकड़े खा लेगी, तो यहाँ से टिक्स बर्ड आएगी और यह मांस के टुकड़े इससे निकाल 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 के खा लेगी, जिससे इसके दांत भी नहीं सड़ेंगे और टिक्स बर्ड है उसको भी क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, यानी दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन मैं टिक्स बर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, ये आए नहीं तो भी ऐसा तो है नहीं कि मर जाएगा, दांत सड़ेंगे सड़ेंगे लेकिन ये मरेगा थोड़ी ना, काम तो चलेगा इसका, नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आएगा तो अच्छी बात रहेगी कि काफ़ी दिनों तक हेल्दी रहेगा, इसके दांत क्या नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो ये है आपका मगरमच्छ, इसका उदाहरण है पहला मगरमच्छ और टिक्स पक्षी, मगरमच्छ और टिक्स पक्षी, कौन हो गए, मगरमच्छ और टिक्स पक्षी, कौन हो गया, टिक्स नहीं, नाइल प्लोवर होता है पक्षी, पक्षी का नाम क्या है, नाइल प्लोवर, सॉरी यहाँ पर नाइल प्लोवर पलोवर, जो टिक्स पक्षी होता है वो अगले वाले एग्जांपल में आएगा, नाइल प्लोवर। और जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो आता है गेंडे का, गेंडा, गेंडा कहाँ पर मिलता है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर मिलता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है आपके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक सींग वाला गेंडा मिलता है, जो कहाँ पर है, असम के अंदर है, कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। तो आपको याद रखना गेंडा कहाँ पर मिलता है, भारत के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलता है, जो कहाँ पर है आपके, असम के अंदर है। तो गेंडा होता है, गेंडे के ऊपर क्या रहते हैं, बहुत सारे जंतु पड़ जाते हैं सिर पे और बहुत सारे जंतु लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, वहाँ पर आती हैं टिक्स बर्ड, कौन आती हैं, टिक्स बर्ड, यहाँ पर कौन थी, नाइल प्लोवर, कौन थी, नाइल प्लोवर, वहाँ पर आती हैं टिक्स पक्षी, कौन आता है, टिक्स, टिक्स पक्षी, टिक्स पक्षी आएगा उसके शरीर पे और क्या करेगा, उनके जो आपने देखा होगा कि जो गेंडे का फोटो आता है उसके ऊपर एक पक्षी बैठा ही रहता है, आप देखना नेट पे सर्च करके देख लेना कि जो गेंडा है उसके ऊपर टिक्स पक्षी आएगा ही आएगा, ज़्यादातर फोटो के अंदर टिक्स पक्षी उसके ऊपर आता है। टिक्स पक्षी क्या करता है, उसके ऊपर जो जो कीड़े हैं उसको क्या करेगा, चुन 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 के खाएगा। तो ये इसको फायदा होता है कि इसके शरीर की जो स्किन है यानी जो त्वचा है वो हेल्दी रहेगी, स्वच्छ रहेगी और टिक्स पक्षी को भी भोजन मिल गए, यानी दोनों को भी फायदा हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर टिक्स पक्षी को हटा देता हूँ तो गेंडा क्या मर जाएगा, क्या नहीं मरेगा, गेंडा तो जीवित रहेगा।
क्या रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, आपके जो गेंडे हो, गेंडे इसके ऊपर रहेगा तो गेंडे को क्या करेगा, स्किन को हेल्दी करेगा, और टिक्स पक्षी को भी क्या मिल जाएगा, आपका भोजन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो भोजन मिल। तो जो प्रोटोक ऑपरेशन है उसके अंतर्गत आपके दो एग्जांपल आते हैं, पहला कौन सा आ गया, मगरमच्छ और नाइल फ्लावर, दूसरा कौन सा आ गया, गेंडा और टिक्स पक्षी। तो प्रोटोक ऑपरेशन के अंदर आपको इतना ही याद रखना है कि दोनों जंतुओं को लाभ होता है, लेकिन एक को हटा दिया जाए तो दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन म्यूटिलिज्म या सौकारिता के अंदर क्या होता है कि एक को हटा दिया जाए, दूसरा कहेगा हम तो आपके बिना नहीं जी पाएंगे, यानी आपके बिना मर जाएंगे। प्रोटोक ऑपरेशन और आपका म्यूटिलिज्म में इतना ही फर्क होता है कि एक को हटा दिया जाए तो दूसरा मर जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मरेगा। किसमें मरता है, म्यूटिलिज्म के अंदर मरता है। तो आपके पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के अंतर्गत तीन आपके आते हैं, पहला आता है म्यूटिलिज्म, दूसरा आता है कमेंसलिज्म, तीसरा आता है प्रोटो कोऑपरेशन। तीसरा कौन सा आता है, प्रोटो कोऑपरेशन। इन सभी के आपको क्या रखने हैं, उदाहरण याद रखने हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने पॉजिटिव इंटरेस्ट स्पेसिफिक इंट्रैक्शन पढ़ा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारे उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, आपके नेगेटिव इंटरेस्ट स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण पढ़ेंगे, दूसरा अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर आपकी प्रतिस्पर्धा होती है, और तीसरा होता है आपका अमेंसलिज्म, उसको पढ़ेंगे। इन सबको क्या पढ़ेंगे अपन, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, यानी पूरे एकदम इसके जो भी डायग्राम आएंगे उसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने लिखा है उसको क्या करना है, एक कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। आईएएस के अंदर जो प्री होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, किसके इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी पॉजिटिव ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिव आता है पहला और दूसरा आता है नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन जो नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।